ये जो हम लोग लॉ सेवर्जन, आपने कहा गीता में से आई होगी, तो ओशो कह रहे थे कि एक बार कि कोई इंग्लिश राइटर था, फिलोसोफर रहा होगा, कोई थिंकर, काफी सालों से उसने किताब उताब लिखी, उसका ना मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब उसको पहली बार गीता, भगवत गीता मिली, इंग्लिश ट्रांसलेशन था उस, और उसने शुरू के 10-15 पेजेस पढ़े, वो इतना खुश हो गया कि उसने लिटरली गीता को अपने सर पे रखा और नाचा। तो जब, और मैं इस चीज से रिलेट कर पाया, मुझे पता था जी सच है, क्योंकि जब मुझे जनोगा मिली थी, सच विश्वास करिए मुझे अभी भी याद है उस, मैं किताब उठाया था और मैंने जब पढ़ना शुरू किया, रात को पढ़ा, फिर सुबह जब उठ करके पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा मेरी इतने ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया मुझे। और वही किताब मैंने बहुत से लोगों को दी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मुझे मालूम पड़ा कि माइंड की एक एक मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे आप क्वेश्चंस अगर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, तब आपको आंसर्स की बहुत वैल्यू नहीं है, मतलब बहुत प्यास नहीं लगी तो फिर पानी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं परेशान कर रहा है कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं, कैसे कर पाऊं, कैसे कर पाऊं, तो कितना भी अच्छी टेक्निक कोई बता दे, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जो जितने भी लोग, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो ट्रूथ है जिसके, वो तो वैसा ही है, आप कहीं से भी खोजेंगे तो वही मिलेगा। तो लॉस एवर्जन वर्ड्स अलग है, लेकिन बात तो वही है जो गीता की लिखी हुई है। आइस पे लग भी काम, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आज यहाँ मतलब सुबह में लेटे हुए थे तो उसमें जो गीता का लेक्चर है उसमें बताया कि मतलब जब आपको मतलब कोई बहुत मस्का उसका कुछ लगा रहा है तो समझ लीजिए वो आपसे कोई काम कराने के लिए तैयार है। तो हमें क्लास की बात याद है, एक लड़का है मॉनिटर था तो उसको मैं मतलब पूछ रही थी आस्ते किधर गुड बाय, आस्ते किधर गुड बाय, तब हमें वो याद है हंसने लगे गान बाद भी सही, कुछ ना कुछ करा रही होगी, कुछ काम वाम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल लोफिंग। लोफिंग कुछ पता, लोफिंग मतलब शायद, लोफिंग मतलब हाँ इकट्ठा होकर के एक बनना। और किस चीज का क्वेश्चन, आंसर किस चीज का है, व्हाई टीम्स आर लेजी, टीम्स क्यों लेजी होती हैं। इन 1913, 1913 में मैक्सी मिलियन रिंगे रिंगेल मैन, अ फ्रेंच इंजीनियर, मैक्सी मिलियन रिंगेल मैन, अ फ्रेंच इंजीनियर, स्टडीड द परफॉर्मेंस ऑफ हॉर्सेस। उसने हॉर्सेस का परफॉर्मेंस स्टडी किया। ही कंक्लूडेड दैट द पावर ऑफ टू एनिमल्स पुलिंग अ कोच डिड नॉट इक्वल ट्वाइस द पावर ऑफ सिंगल हॉर्स। उसका कंक्लूजन ये था कि दो हॉर्सेस अगर एक कोच को खींच के लाता है, दैट इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस द पावर ऑफ सिंगल हॉर्स। सिंगल हॉर्स का डबल अगर पावर कर दीजिए, दैट इज नॉट इक्वल टू दो हॉर्सेस के बराबर। एक हॉर्स अगर खींच रहा है और दो हॉर्स खींच रहे हैं, दो हॉर्स का पावर एक हॉर्स से डबल नहीं है। लॉजिकली तो होना चाहिए कि एक एक आदमी खींच रहा है, एक एक घोड़ा खींच रहा है, दो खींचेंगे तो डबल पावर होना चाहिए, लेकिन ऐसा उसने पाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ही हैड सेवरल मेन पुल अ रोप एंड मेजर्ड द फोर्स अप्लाइड बाई ईच इंडिविजुअल। इंजीनियर था, उसने ढेर सारे लोगों से खिंचवाया और उसको जितना उसमें टेंशन था, उसमें कितना फोर्स था, उसको मेजर किया। ऑन एवरेज इफ टू पीपल वर पुलिंग टुगेदर, दो लोग एक साथ अगर पुल कर रहे थे, ईच इन्वेस्टेड जस्ट 93%, खाली उन्होंने 93% ऑफ देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, जितनी उनकी ताकत थी उससे 7% कम पुल किया। व्हेन थ्री पीपल पुल टुगेदर, और जब तीन लोगों ने साथ में पुल किया, इट वॉज 85%, हर बंदे ने 15-15% कम। और जब आठ लोगों ने पुल किया तो 49% ईच, आधे से भी कम ताकत लगाई लोगों ने। साइंस कॉल्स दिस द सोशल लोफिंग इफेक्ट। साइंस इसको बोलता है सोशल लोफिंग इफेक्ट। इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। जब इंडिविजुअल एक आदमी का परफॉर्मेंस दिखता नहीं है, मतलब एक ही आदमी एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब ये ऐसा होता है। इट ब्लेंड्स इन टू द ग्रुप एफर्ट। ये ग्रुप, जब मेरा मेहनत ग्रुप पे चला जाएगा तो मैं पूरी मेहनत क्यों लगाऊं, थोड़ा आराम भी कर लूं।
इट अकर्स अमंग रोअर्स, रोअर्स मतलब जो रोइंग करते हैं, नाव की रोइंग करते हैं, बट नॉट इन रैले रेसिंग, लेकिन रेसिंग में नहीं, बिकॉज हियर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आर एविडेंट. शायद रेसिंग में तो हर एक इंडिविजुअल आदमी का काउंट करता है. सोशल लोफिंग इज अ रैशनल बिहेवियर, यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आमतौर पर पाया जाता है. रैशनल मतलब ये होता है, ये गलत नहीं है, जैसे झूठ एक नॉर्मल बिहेवियर है लोगों का, ये गलत नहीं है, गलत नुकसानदायक है, इसलिए गलत बोलते हैं, बट इट इज अ रैशनल थिंग. व्हाई इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी व्हेन हाफ विल डू, पूरी एनर्जी क्यों लगाना जब आधे से काम बन रहा है तो. स्पेशली व्हेन दिस लिटिल शॉर्टकट गोज अननोटिस्ड, और जब तुम थोड़ा कम मेहनत करोगे तो कौन देखने वाला है, किसी को पता तो चलेगा ना. एग्जैक्टली. क्वाइट सिंपली सोशल लोफिंग इज अ फॉर्म ऑफ चीटिंग ऑफ विच वी आर ऑल गिल्टी इवन इफ इट टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली. हम सब गिल्टी हैं सोशल लोफिंग में, कि हम एक तरह से चीटिंग कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगाना चाहिए लगाते नहीं है, हालांकि होता अनकॉन्शियसली है फिर भी. तो चीटिंग क्यों हो गया, बिकॉज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर ही आती है. जस्ट एज इट डिड विथ रेंगलमैन हॉर्सेस, रेंगलमैन के हॉर्स, उनके लिए तो चीटिंग करने का दिमाग तो है नहीं कि हॉर्स चीटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग एफर्ट कम लगा रहे हैं. व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग साथ में काम करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डिक्रीज, कम हो जाता है. दिस इजंट सरप्राइजिंग, और ये सरप्राइजिंग नहीं है. व्हाट इज नोटवर्दी, और क्या ध्यान देने वाली बात है. आरएमपी यहां पर पड़ा हुआ है, मैं ले आऊंगा आते समय भी. स्कूल में था वो, स्कूल में यूज किया था ना आज. आई विल ब्रिंग इट टुडे. ओहो सॉरी यार, अभी तो फिलहाल नहीं है यार. दूसरा भी ले आऊंगा मैं दूसरा भी ले आऊंगा, दोनों यहीं पड़ा हुआ है. ठीक. ओके बाय. सो सॉरी. और नोटवर्दी चीज क्या है, व्हाट इज नोटवर्दी हाउएवर इज दैट आवर इनपुट डजंट ग्राइंड टू अ कंप्लीट हॉल्ट. और यह भी है कि हम पूरी तरह छोड़ भी नहीं देते. हम क्यों लगाएं एफर्ट, वो लगाए, हम छोड़ भी नहीं देते, हम थोड़ा बहुत करते रहते हैं. सो व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम पुटिंग आवर फीट अप कंप्लीटली एंड लेटिंग अदर्स डू ऑल द हार्ड वर्क. और क्या ऐसी चीज है जो हमको छुड़वाती नहीं है, आलस जब है तो छोड़ दे एकदम, तो वो क्या चीज है कि छुड़वाती नहीं है. द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट. जीरो परफॉर्मेंस वुड बी नोटिस्ड, जीरो परफॉर्मेंस दिख जाएगा. बताता हूं. एंड इट ब्रिंग्स विथ इट वेटी पनिशमेंट सच एज एक्सक्लूजन फ्रॉम द ग्रुप और विलिफिकेशन. मतलब दो लोग, एक मान लो धक्का दे रहे हैं गाड़ी को, दोनों थोड़ा थोड़ा धक्का दे रहे हैं, पूरा धक्का नहीं दे रहे हैं, अपनी हिम्मत नहीं लगा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी क्यों दे रहे हैं भाई, हम बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, खाली छूना चाहिए बस गाड़ी को, लेकिन या खड़े हो जाए बस गाड़ी के पास हाथ करके. तो बोलते हम क्यों नहीं करते ऐसा, क्योंकि ये चीज तो दिख जाएगी कि तुम बिल्कुल नहीं मेहनत कर रहे हो. और अगर दिख जाएगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सजा मिलेगी, तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ग्रुप में से, बोलोगे तुम हटो, तुम किसी काम के नहीं तो निकलो यहां से. और यही चीज हुआ हमारे भाई साहब के साथ. कौन, शिवेंद्र भैया. उनके जो एफर्ट थे कम होते 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 एकदम ऑब्वियस हो गए कि बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहे हैं वो. एवोल्यूशन, विकास हैज लेड अस टू डेवलप मेनी फाइन ट्यून्ड सेंसेस. एवोल्यूशन की वजह से जो हमारी आंख नाक जो सेंसेस हैं वो बहुत फाइन ट्यून हो गई हैं, बहुत बारीकी से देख सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं, इंक्लूडिंग हाउ मच आइडलनेस वी कैन गेट अवे विथ एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज इट इन अदर्स. कि हम कितना कम मेहनत करें कि उससे किसी को पता नहीं चलेगा. चीटिंग करने में हम एक्सपर्ट हो गए हैं, और जानवरों से ज्यादा हम एक्सपर्ट हो चुके हैं. जानवर अपने एक्सप्रेशन में चीट नहीं कर पाते. जैसे जानवर को जब गुस्सा आता है तो गुस्सा करता है, लेकिन जब आदमी को गुस्सा आता है तो कुछ नहीं. आपको किसी को नमस्ते करने का मन नहीं करा, फिर भी आप
नमस्ते सर, नमस्ते। मन में चल रहा है कि गर्दन काट दूं मैं इसकी तो, लेकिन मन ही मन सर गुड मॉर्निंग सर, होमवर्क नहीं किया, कल करके लाओगे? अभी नहीं करके लाऊंगा, मन में चल रहा है, लेकिन हम अपने आप को चीट कर लेते हैं इस चीज से। सोशल लोफिंग डज नॉट अकर सोली ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस, और ये चीज खाली फिजिकल काम में नहीं होता, और भी जगहों पर होता है। वी स्लैक ऑफ मेंटली टू, और दिमाग में भी हम आलसी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मीटिंग्स, जब मीटिंग्स होती हैं, द लार्जर द टीम द वीकर आवर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, जितना बड़ा टीम होता है उतना ही हमारा कम पार्टिसिपेशन हो जाता है। However, once a certain number of participants is involved, our performance plateaus. कि एक छोटे ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, इसी को बढ़ाते 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 आप एक लिमिट आ जाती है, जब उसके ऊपर कितने भी नंबर बढ़ेंगे तो आपका परफॉर्मेंस प्लाटू पे आ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, प्लाटू मतलब स्ट्रेट लाइन। वेदर द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 20 और 100 पीपल इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसमें 20 लोग हैं कि 100 लोग नहीं, इससे इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम इनर्शिया हैज बीन अचीव्ड, मैक्सिमम इनर्शिया, इनर्शिया मतलब आलस, बस अब इसमें बैठे रहेंगे मीटिंग में, मुंडी लाते रहेंगे, कौन कौन अग्री करता है, हम सुना भी नहीं क्या किस चीज से अग्री करते हैं। जैसे हमारे यहां क्लास जब चलती है तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इनर्शिया में होते हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है और कहीं छेड़छाड़ रहे हैं किसी को, या शायद लेक्चर देख रहे हैं तो पीछे सर जी का पीछे कमरा कैसा है वो देख रहे हैं, तो वो मेंटल इनर्शिया है। तो मैक्सिमम जितना आराम कर सकते हैं मेंटली वो आराम करते हैं। वन क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन एक सवाल रह गया, हु केम अप विद द मच वॉन्टेड आइडिया दैट टीम्स अचीव मोर देन इंडिविजुअल वर्कर्स, तो ये किसके दिमाग में आ गया कि भैया टीम जो है अकेलों से ज्यादा अच्छा काम करती है। लोग कहते हैं ना टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क, मे बी जापानीज, जापानी लोगों ने बोला होगा क्योंकि वो लोग टीम में काम करते हैं। 30 साल 30 ईयर्स अगो, 30 साल पहले दे फ्लडेड ग्लोबल मार्केट विद देयर प्रोडक्ट्स, जापान के लोगों ने दुनिया भर को अपने प्रोडक्ट के साथ भर दिया। बिजनेस इकोनॉमिस्ट लुक्ड मोर क्लोजली एट द इंडस्ट्रियल मिराकल एंड सॉ दैट जापानीज फैक्ट्रीज वर ऑर्गेनाइज इंटू टीम्स, उन्होंने देखा कि जापानीज लोग काम कैसे करते हैं, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, देखा टीम्स के टीम है जो काम करती है उनकी। दिस मॉडल वॉज कॉपीड, फिर इसको कॉपी किया गया एंड मिक्सड विथ मिक्सड सक्सेस, उससे कहीं कहीं सक्सेस आया कहीं कहीं नहीं आया। एंड Europeans, sorry, what worked very well in Japan could not be replicated with Americans and Europeans. Japan में जो अच्छे से काम करा था उसी इफेक्ट को हम replicate नहीं कर पाए, produce नहीं कर पाए अमेरिका में और यूरोप में। Perhaps because of social loafing rarely happens there. शायद जापान में social loafing नहीं होता होगा। In the West, teams function better if and only if they are small and consists of diverse specialized people. पूरी दुनिया में शायद जापान को छोड़कर टीम इफेक्ट तभी काम करती है जब छोटी टीम हो और अलग अलग स्किल वाली हो। मतलब अगर एक स्कूल चला रहा है तो एक मैथ्स का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक इंग्लिश का और एक मैनेजर होना चाहिए, इस टाइप के अलग अलग स्किल वाले लोग होने चाहिए, तभी वो टीम काम करती है अच्छे से। दिस मेक्स सेंस बिकॉज विद इन सच ग्रुप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैन बी ट्रैक्ड बैक टू ईच स्पेशलिस्ट, और इसमें लॉजिक भी है क्योंकि अगर साइंस वाला केमिस्ट्री वाला का केमिस्ट्री में तो डाल ही सकते हैं और किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है उसमें। अब केमिस्ट्री वाला है, केमिस्ट्री के सर है मान लीजिए, और वो काम कोई और नहीं कर रहा है तो कितना एफर्ट डाला साफ साफ मालूम पड़ जाएगा। अब दो केमिस्ट्री के टीचर हूं तब एक का लैक्स हो जाएगा दोनों का। सोशल लोफिंग इज हैज इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशन, इसका बड़ा इंप्लीकेशन, इसका असर बहुत इंटरेस्टिंग है। इन ग्रुप्स वी टेंड टू होल्ड बैक नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब पार्टिसिपेशन हमने, हमारा दिमाग ने मन किया हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी हम नहीं लेते। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अगर देखिए आगे समझ में आएगा, नोबडी वॉन्ट्स टू टेक द रैप फॉर The misdeed of poor decisions of the whole group. कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि यह डिसीजन क्यों लिया गया, मेरी क्या गलती, उन्होंने कहा था, और इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। A glaring example, और इसका साफ साफ example है, is the prosecution of Nazis at the Nuremberg trials
एंड लेस कॉन्ट्रोवर्सी एनी बोर्ड और मैनेजमेंट और लेस कॉन्ट्रोवर्सी एनी बोर्ड मैनेजमेंट टीम। नाजीज जो हिटलर के लोग थे, इतने लोगों को मारा उन्होंने, ये क्यों? इसीलिए क्योंकि कोई अकाउंटेबल नहीं था। फॉर द सेम रीजन टीम्स टेंड टू टेक बिगर रिस्क देन देयर मेंबर्स वुड टेक ऑन देयर ओन। टीम में लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, मेंबर्स नहीं लेते अकेले। द इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स रीजन that they are not the only ones who will be blamed if the things go wrong. उनको पता होता है टीम इंडिविजुअली लोग सोचते हैं कि अरे ग्रुप में है हमारे ऊपर थोड़ी रिस्क आएगा, सबके ऊपर रहेगा, वो संभाले मेरी क्या गलती। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिस्की शिफ्ट, मतलब जो रिस्क है उसका शिफ्ट कर देंगे उसको, एंड स्पेशली हैजार्डस अमंग कंपनी, और कंपनियों में बहुत खतरनाक है ये। एंड पेंशन फंड स्ट्रेटेजिस्ट, जो गवर्नमेंट का पेंशन, पता है पेंशन बनता कैसे है? गवर्नमेंट पेंशन देती है बुढ़ापे में, पैसा कटता है तो वो पैसा इतना होता है कि जिंदगी भर देते रहे, इसलिए ब्याज भी होता है और टैक्स भी जो देते हैं पब्लिक उससे भी जाता है, तो उसकी एक अलग से इकट्ठा करते हैं उसको जो मिलता है वो भी। तो इस ये जब 50,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ हो जाता है तो लोग होते हैं स्ट्रैटेजिस्ट। स्ट्रैटेजिस्ट मतलब इस पैसे को कहां इस्तेमाल करें कि ये बढ़े, लेकिन जिस भी पैसे को कहीं लगाएंगे और बढ़ेगा तो उसमें खतरा क्या है, अगर नहीं चला तो खत्म भी हो सकता है। तो बोलता है अगर वहां पर ये लोफिंग इफेक्ट आ जाए तो फिर लोगों के गए पेंशन। 50,000 करोड़ आपने मालूम पड़ा, 1,00,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है रिटायर्ड होने वाले हैं, उनका आपने पेंशन लगा दिया कहीं पर, घाटा हो गया, फिर गया जिम्मेदारी किसकी? किसी की नहीं। तो नियम था, हमने भाई ट्राई किया था, मैंने थोड़ी ट्राई किया, इसको बोलते हैं लोफिंग इफेक्ट। लोफिंग इफेक्ट मतलब ग्रुप में लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं और ग्रुप में कम मेहनत भी करते हैं। इन्होंने पाया कि अगर एक घोड़ा एक बुग्गी खींचे तो दो घोड़े दो बुग्गी खींचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, दो घोड़े मिलकर के एक ही बुग्गी खींचते हैं, दोनों के एफर्ट कम लग जाते हैं और नॉर्मल है, ऐसा पाया जाता है। पेंशन फंड वेयर बिलियंस आर एट स्टेक, जहां पर अरबों रुपए दांव पे लगे होते हैं, और इन डिफेंस डिपार्टमेंट वेयर ग्रुप्स डिसाइड ऑन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स जहां पर कौन कौन सी टैंकर खरीदी जाएंगी, वहां पर बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन ग्रुप लेता है तो उसमें गलत गलत डिसीजन भी लोग लेते हैं, किसी की जिम्मेदारी तो है नहीं। लास्ट में कंक्लूजन, पीपल बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप्स देन वेन अलोन। लोग ग्रुप्स में अलग तरीके से बिहेव करते हैं और अकेले अलग तरीके से, अदरवाइज देर वुड बी नो ग्रुप, ये तो फिर ग्रुप कहां होता। द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप कैन बी मिटिगेटेड बाई मेकिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज विजिबल एज पॉसिबल। तो अगर इसको आप कम करना चाहते हैं तो लोगों के परफॉर्मेंस को जितना विजिबल कर सकें, दिखे, तो आप इसको थोड़ा कम कर पाएंगे। लॉन्ग लिव मेरिटोक्रेसी, और मेरिटोक्रेसी जिंदाबाद। मेरिटोक्रेसी मतलब हाँ, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा, जिसका काम दिखाई देगा उसी को पैसा मिलेगा। लॉन्ग लिव परफॉर्मेंस सोसाइटी, और जो सोसाइटी परफॉर्म करेगी वही जीतेगी। मोदी ये कह रहे थे कि इलेक्शन में हमने उनसे पूछा कांग्रेस से कि तुम दिखाओ तुमने किया क्या है, परफॉर्मेंस दिखाओ, हम तो दिखा रहे हैं यहां पर गांव गांव में हमने क्या काम किया है। तो इसी में उस दिन दोबारा कहानी में बताता हूं, नहीं वो राजा ने कहा हंस आएगा हंस आएगा, अकबर ने एक बार डिसाइड किया कि हम लोग वहां से ले आएंगे पहाड़ों से हंस ले आएंगे, और हंस के बारे में कहा जाता है केवल दूध में रहता है, दूध ही पीता है और खालिस दूध प्योर दूध, और भाई हंस के लिए तालाब बनाना है दूध का। तो राजा साहब ने कहा मेरे पास इतना दूध कहां, तो उन्होंने प्रजा में बता दिया कि सबके पास दूध दूध ले आओ, एक एक लीटर भी लोग ले आएंगे, 2,000 लोग हैं तो 2,000 लीटर हो जाएगा, छोटा सा पॉन्ड तो बन जाएगा। तो भोर में ही सब आ गए, डालते गए अपना दूध, और जब दिन खुला पता है क्या देखा, पूरा तालाब किससे भरा है, पानी से। सबने ये सोचा बगल वाला तो दूध डालेगा, ये मेरा वाला कहां पता चलेगा। सोशल प्रूफ, आप लेक्चर में बता रहे थे कि आप जैसा चाहते हो वैसा करते रहो,
अपने आप ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आदमी पहले ही सोच लेता है, कल पहले ही सोच लेता है या तो कुछ है नहीं, तो वो उसका भी निगेटिव होने लगता है, काम आदमी वैसे होने लगता है। नहीं, असल में हम लोग जो ज्यादातर काम करते हैं वो फल की इच्छा से ही करते हैं। तो जब आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो आपको सीए पहुंचना है, वो आपका फल है, लेकिन गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि आप सीसीआर देख नहीं सकते, यहां से रोड पर देखना पड़ेगा, तो अगला किलोमीटर आप चल रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम में आपका किताब खोलते खोलते दिमाग में 24 घंटे चलता है, 90%, 90%, 90%, और वो 90% हमारा एक दिमाग जानता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो 90% आने वाला नहीं है, तुम्हारा दिमाग वो भी जानता है कि आने वाला नहीं है, तो वो फिर इधर से बैक में दबा देता है, जब आने वाला नहीं तो छोड़ो। जैसे भैया थे हमारे यहां काम करते थे, हम इनको बोलते थे भैया आप अकाउंट का काम करते हो, थोड़ा आप सोचो कि स्कूल के बच्चों को कैसे हेल्प किया जाए, कैसे इनको इंप्रूवमेंट हो। वो सोचते होंगे इसका फल क्या है, सोचेंगे तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। अब सैलरी तो पता नहीं कब बढ़ेगी, हो सकता है महीने भर में बढ़े, भैया ने तो कहा है कि अगर अकेले संभालोगे डॉनबॉस को तो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन अकेले तो हम अगले एक साल तक डॉनबॉस को नहीं संभाल सकते, तो फायदा क्या सोचने का, तो छोड़ो सोचो ही मत। जब ओशो स्पीसी बड़ी खास है, वो बोलते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसको ऐसा करते जाओ कि उसमें आपको मजा आना शुरू हो जाए। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर आज आए थे, एक डॉक्टर साहब नहीं आए थे, सीनियर डॉक्टर, उनसे मैंने पूछा आप सर कोई गेम वेम खेलते हैं, आप तो बड़े फिट हैं, तो बोलते हैं हाँ गोल्फ खेलता हूं। वैसे 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते हैं, रात को घर पे बड़ा वाला जनरेटर लगा है उससे एसी चलता है, दिन में ऑफिस में एसी चलता है, बोलते हैं लेकिन हम लोग जो 3 घंटे रहते हैं गोल्फ जब खेलते हैं तो वहां पर तो मैदान खुला मैदान है, जून की गर्मी में तो एयर कंडीशन लग नहीं सकता, वहां पर पसीना पसीना तरतर हो जाता है, तो 3 घंटे वो कैसे पसीने में तरतर होते हैं, वो मजा आता है गेम खेलने में, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। ऐसे जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट बाहर, वो रिजल्ट के लिए नहीं खेलते, वो जीतने के लिए नहीं खेलते, उनको मजा आना चाहिए बस। तो जब आप कोई काम करते करते उसमें आपको, उसको बोलते हैं फ्लो, फ्लो में आता है तो आपको मजा आना शुरू हो जाता है, और रिजल्ट उसका बाई प्रोडक्ट होता है। इसे काम करते करते पसीना निकलता है, लेकिन सोचो कोई आदमी काम इसलिए कर रहा है पसीना निकल रहा है, अब निकल के कितना हो गया 10 ml, अब और लाओ कितना पसीना इकट्ठा करेगा। हमारा लोगों का यही हिसाब किताब है। तो रिजल्ट के बारे में, हाँ तो करें क्या इसके बारे में, करिए ये कि जब आपके दिमाग में आपका रिजल्ट आए तो आप अपने आप को मुस्कुराइए कि बेटा इसका मतलब तेरा दिमाग काम में नहीं लग रहा है। तो जब रिजल्ट दिमाग में आए तो अपने आप को ऐसे सहलाइए, अरे बेटा भटक रहा है तू, तेरा मोटिव रिजल्ट नहीं है, तेरा मोटिव ये जो कर रहा है ना ये है। मैं वहां था, चमोली में था 4 साल पहले, तो एक दिन मैं क्लास स्कूल में शिविर करने गया था, बहुत बेकार शिविर हुआ, मतलब मैंने उम्मीद की थी करीब 300 बच्चे होंगे और मुश्किल से बैठे थे 40-50 बच्चे, और उसमें पेड शिविर था तो 100-100 रुपए हर बच्चे से मिलना था, और हम लोगों का पेट्रोल का भाड़ा लगा था करीब 7-8 हजार रुपए, तो 40 बच्चों ने 100-100 रुपए दिए थे बस, तो 4 हजार रुपए आए थे, पेट्रोल का भी पैसा नहीं निकला। मैं वापस जब गया घर तो मैं बड़ा दुखी था, मैं रात को काफी देर तक ध्यान व्यान करते करते सो रहा था कि आखिर मैंने सही किया कि गलत किया, डिसीजन सही था कि नहीं था वहां जाना, बिकॉज फाइनेंशियली तो लॉस हुआ मेरा -4000 रुपए, और किस एंगल से सही था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचते सोचते मैं सो गया, मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर मुझे सपने में आया, मैंने उसको बाद में लिखा भी था डायरी में, सपने में देखा कि एक बड़ा सा हॉल है और उसमें करीब 1500-2000 बच्चे बैठे हैं और मैं माइक पकड़ के बच्चों को लेक्चर दे रहा हूं, बड़ा खुश हूं मैं, लेकिन अचानक बीच में एक किसी बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया, हाथ उठा करके हंसने लगा मेरे ऊपर, हैं बकवास कर रहे हैं सर, मुझे बड़ी गुस्सा आई, फिर वो बच्चा उठ करके चल दिया, मुझे नहीं अटेंड करना आपके लेक्चर लेक्चर, सपने में हूं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं हड़बड़ा रहा हूं तड़प रहा हूं मैं। उसके पीछे वे सारी जनता चली गई, 5 लोग खाली गिनती के बैठे, 5 लोग, और जब वो सारे चले गए तो मैंने देखा जो 5 लोग बैठे थे वो अचानक से बड़े बड़े लोग हो गए, और उनके कपड़े सफेद सफेद हो गए, लंबे लंबे, जैसे फादर के चर्च के फादर लोगों का होता है। मेरा ध्यान पे गया तो मुझे लगा कि ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं,
जो पीछे 2000 बच्चे चले गए वो ऐवे ही थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो इंपॉर्टेंट थे वो रह गए हैं। तो जब मेरी सुबह 4 बजे नहीं खुली तो मुझे क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ गया, जो तुम्हारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उनको देख रहे हो जो चले गए हैं 2000 और उनके लिए दुखी मना रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चाहे वो घर में झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। तो जो तुमने किया बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, शायद तुम्हारे सिस्टम वन को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जो तुम्हारे पास है वही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो रिजल्ट तो आएगा जब जो तुम्हारे पास है उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और वो क्यों इंपॉर्टेंट काम है? क्योंकि तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी उंगली कटी हुई है तो उसको ब्लीडिंग रोकना ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अभी कैंसर लगा हुआ है कहीं, इलाज कराओगे पहले तो जो उंगली दर्द हो रही है तुरंत उसको ठीक कराओ। तो रिजल्ट आएगा, और स्पेशली रिजल्ट तब आता है जब आपको बिल्कुल चिंता नहीं होती। और एक और लास्ट में खास चीज रिजल्ट के बारे में, अगर आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिला तो वो होता है दुख, और अगर रिजल्ट मिल गया पूरा हो गया तो पता है क्या होता है? खुशी नहीं मिलती, विषाद मिलता है। विषाद, विषाद मतलब फ्रस्ट्रेशन। अब मिल गया, अब क्या? क्योंकि जब मैं पहली बार 2000 रुपए की सैलरी पा रहा था तो मुझे बड़ी खुशी थी, 4 महीने बाद 2000 रुपए कम लग रहे थे, अब क्या? इसलिए डिजायर्ड रिजल्ट, जो हमारा सेक्शन 2 है वो सुख और दुख की नहीं चाहता, डिजायर करता, वो चाहता है, वो कहते हैं आनंद का नाम लेते हैं, लेकिन वो ओशो बताते हैं कि आनंद भी मे भी आपको लगेगा कोई अच्छी सी पॉजिटिव चीज होगी, उसमें हम लोगों को मजा सा आएगा, कैसे गौतम बुद्ध की तरह बैठे रहेंगे और उस मुस्कुराते रहेंगे। तो बताते हैं नहीं, इसलिए गौतम बुद्ध ने उसका नाम ही बदल दिया। पता है गौतम बुद्ध ने क्या कहा? जब आपका डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको अशोक होगा। लोगों ने बोला अशोक, अशोक क्या होता है? बोलते हैं बस दुख नहीं होगा, बस शोक, शोक माने दुख, वो नहीं होगा। लोग पूछते थे आकर के, मतलब फिर हमको कोई ऐसा परमानंद टाइप का चीज होगा ना जिसे आनंद मिलेगा? बोलते ना, कुछ आनंद फानंद नहीं मिलेगा। नहीं तो होता क्या था, लोग ध्यान में बैठते थे, कल्पना करते थे आनंद कब आएगा, आनंद कब आएगा, आनंद कब आएगा, आनंद नहीं आता था। एक बार रजनीश बता रहे थे ओशो कि मैं सुबह सुबह वॉक करने गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने लोगों को बताया, मेरे दोस्त को बड़ा अच्छा आनंद आया, तो बोलते हैं कल से मैं भी चलूंगा आपके साथ। सुबह सुबह वो भी चल दिया उनके साथ, 15-20 मिनट चले, तो आनंद नहीं आया, तो मजा नहीं आ रहा है कुछ। बोलते अरे ध्यान से चलो, सूरज की रोशनी है, ठंडी ठंडी हवा है, चिड़िया चू चू कर रही है, पेड़ है, पत्ते हैं, वो तो उनको दिख ही नहीं रहा था बेचारे को, आनंद खोज रहे, आनंद यही है इसी में। तो जो है वो चीज अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो और बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, और आपको मिलती भी रहेंगी जाती भी रहेंगी, मिलती भी रहेंगी जाती रहेंगी। जिस बच्चे ने सोचा 90% मिल गए, अब क्या? अब क्या मतलब इतनी बड़ा खतरनाक चीज है। इसलिए बोलते हैं कि जो दुखी आदमी, जो गरीब आदमी हो तो कम से कम उसको उम्मीद भी रहती है, किसी दिन मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास एसी होगी, बड़ी कार होगी। लेकिन अमीर तो बेचारे और ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास तो एसी भी हो गई, पैसा भी आ गया, कार भी मिल गई, लेकिन वो दिमाग का झंझाट तो खत्म नहीं हुआ, वो जो बोर्डम था खत्म नहीं हुआ, वो उतना ही बोर होते हैं एक अमीर अपने घर में एसी में बैठकर जितना एक गरीब अपने घर में बैठकर होता है, उससे ज्यादा है। बिकॉज उसके मन में तो वो भी उम्मीद खत्म हो गई। एक आदमी जो हॉस्पिटल में नहीं जाता, घर में बैठा रहता बीमार, सोचता है जब मैं अस्पताल पहुंचूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़े हॉस्पिटल में बैठा है, उसको सारी दवाइयां दे दी गई हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, उसके पास तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज अब तो खाली मरने वाला है, वो कोई चारा नहीं कहीं जाने का। तो फिर तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपका सेक्शन 2 भी जब खुलेगा, जब मॉलिक्यूलर बॉडी आपकी निकलेगी, तब आप देखेंगे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इस सुख और दुख के से कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। उसको लोग शांति, उसको लोग ध्यान, उसको लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट वही है जो जो होना चाहिए। बाकी चीज ना इन दोनों से परे है। भूल तो आपने जो गलती की, भ्रांति मतलब जो आपको पता है गलत है फिर भी आप उसको मानते हैं।
जैसे मैंने अभी मैं रोज जब गाड़ी रिवर्स करता हूं वहां पे, तो पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री को जब मैं पीछे से देखता हूं तो बंदर दिखाई देते हैं। पहली बार जब मैंने देखा मुझे लगा दो बंदर बैठे हैं वहां पे, सीधे देखा तो थे नहीं, तो मुझे लगा शायद बंदर भाग गए होंगे। दूसरे दिन भी वही दिखाई दिया, बंदर दिखाई दिए। जब मैंने मुंडी तब मुझे मालूम पड़ा ये असल में बंदर है नहीं, बंदर जैसे दिखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, आप ग्लास में एक पेंसिल डाल दीजिए, वो टेढ़ी दिखाई देगी, वो टेढ़ी होती नहीं है लेकिन आप दिखती तो टेढ़ी है। ऐसे ही आप दुख आता है या सुख आता है और वो चला जाता है आपको फ्रस्ट्रेटेड छोड़कर, ये हम देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, फिर भी हमारी लालच खत्म नहीं होती। जो बच्चा 90% पाया है उसको हम देखते हैं वो दुखी है, लेकिन फिर भी हमको लगता है हम 90% तक पहुंच जाए उसके बाद हम दुखी हो, दुखी हो चाहे ना हो लेकिन हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। इसी को भ्रांति के नाम से शायद उन्होंने बताया है। जो चीज जानते हैं आप फिर भी वो गलती करते हैं। भूल तो ऐसी चीज है जो आप नहीं जानते। भाई आपको नहीं पता था यहां पर गड्ढा है, आपका पैर चला गया, लेकिन आपको बता दिया गया, आपने आंखों से भी देख लिया, फिर भी आप उस गड्ढे में पैर डाल रहे हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको मालूम है कि इससे चेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, वो आपने छोटा सा रिस्क लिया। रिस्क है बिल्कुल, ये भ्रांति है, बट रिस्क लिया। यही तो माइंड की, यही इसी को तो बोलते हैं फ्री विल, कि ह्यूमन माइंड ह्यूमन बीइंग अलाउड है रिस्क लेने के लिए, बाकी कोई जीव जंतु अलाउड नहीं रिस्क लेने के लिए। इसलिए कहते हैं शायद हमारे अंदर में कहीं भगवान भगवान टाइप की चीज है जो फ्री है, वो जो भी लेना चाहे, अपने आप को मारना चाहे, अपने आप को कुछ भी गलत करना चाहे कर सकती है, अच्छा भी कर सकती है बुरा भी कर सकती है।